भारत बना दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति। एक साथ तीन प्रमुख संगठनों की अध्यक्षता मिली भारत को। जिस संगठन का सदस्य बनने की चीन ने की कोशिश, भारत को मिली उसकी अध्यक्षता। आखिर भारत की अध्यक्षता से क्यों खौफ में है चीन, पाकिस्तान और तुर्की? भारत को मिली अध्यक्षता के कारण चीन, पाकिस्तान, तुर्की की होगी डिफेंस मार्केट बंद। यूएन ने भी माना भारत रखता है दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने की काबिलियत। जी हां दोस्तों, इस समय भारत ने पूरी दुनिया में अपना रुतबा जमा रखा है और उसी का परिणाम है दोस्तों कि 2022 का ये दिसंबर महीना भारत के लिए वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा और भारत को बहुत ही अधिक शक्ति प्रदान करने वाला महीना बनकर उभरा है, जिसने एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में भारत को पहचान दिलाई। 2022 के इस महीने में भारत को ऐसे ऐसे संगठनों की अध्यक्षता करने का मौका मिला, वो भी एक साथ, जिसके बारे में भारत के दुश्मन देश चीन, पाकिस्तान, तुर्की ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन ज्यादा हो और आप अकेले हो लड़ने वाले, और जब आप बहादुरी दिखाते हो तो भगवान भी आपके साथ होता है। दोस्तों यही बात भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और तुर्की पाकिस्तान के सहारे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और वहीं चीन अपने पैसों के दम पर म्यांमार में पूर्वोत्तर उग्रवादी संगठनों को, जो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी हमले करते हैं, उनको पनाह देता है। अब दोस्तों इन सब को टैकल करने के लिए भारत को तीन ऐसे संगठनों की अध्यक्षता मिली, जिसके बाद चीन, पाकिस्तान और तुर्की के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन तीन संगठनों की अध्यक्षता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो संगठन है G20, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल और वासेनार अरेंजमेंट ग्रुप। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये तीनों संगठन विश्व भर में क्या मान्यता रखते हैं और भारत इस बार इन तीनों संगठनों की अध्यक्षता कर कितने बड़े स्तर पर अपने दुश्मन देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं G20 की अध्यक्षता की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता में जिस देश के पास उसकी अध्यक्षता होती है, वही मुद्दे तय करता है कि G20 की अगली मीटिंग में किस मुद्दे पर चर्चा होगी। और दोस्तों वर्तमान में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और तुर्की द्वारा अनौपचारिक रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह तुर्की और चीन पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान को अवैध रूप से हथियार दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरह से चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाया है, खासकर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, उस पर भी प्रश्न उठेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ 10 से 15 दिन पहले की बात है, जहां कश्मीर में भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों पर हमला किया, तब वहां से भारतीय सैनिकों को तुर्की में बनी हुई बंदूकें मिली, जो ये साफ स्पष्ट करती है कि तुर्की पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों ऐसे में जब G20 की मीटिंग होगी, तब भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है और चीन और तुर्की जैसे देशों को मीटिंग में सीधा जवाब देने के लिए खड़ा कर सकता है, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ। और इतना ही नहीं, इसी महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी अध्यक्षता भारत को मिली है। यह अध्यक्षता हर महीने बदलती है। अब दोस्तों चूंकि दिसंबर महीने की अध्यक्षता भारत को मिली, ऐसे में दोस्तों भारत आतंकवाद को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगा, जहां पर भारत G20 में तो चीन, पाकिस्तान और तुर्की को घेर रहा है, साथ ही साथ चीन की वीटो पावर और तुर्की, जो कि वर्तमान में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के कारण आतंकवाद को फंडिंग करने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है, उसको भी कटघरे में खड़े करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों तुर्की और चीन तो इस महीने वैसे भी गए, हालांकि दोस्तों भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को इसी महीने मिलेगी, लेकिन G20 की अध्यक्षता तो भारत के पास 2023 के पूरे वर्ष रहेगी। लेकिन दोस्तों चीन, पाकिस्तान और तुर्की के लिए ये दोनों संगठन इतने चुनौती खड़ी नहीं करते जितने की वासेनार अरेंजमेंट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वासेनार अरेंजमेंट, जिसका सदस्य भारत सन 2017 में बना था, आज 5 साल बाद भारत को पहली बार इसकी सदस्यता का मौका मिला है। दोस्तों वासेनार अरेंजमेंट दरअसल कन्वेंशनल वेपन और नॉन कन्वेंशनल वेपन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन, इन सब पर निगरानी रखता है और इन सब के अवैध लेन देन पर और सभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक और हथियारों के हस्तांतरण पर नजर रखता है, जिसके तहत इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी ऐसी खतरनाक तकनीक का हस्तांतरण किसी गलत देश के हाथ में न चला जाए जो उसका गलत उपयोग कर ले। दोस्तों इतना ही नहीं, वासेनार अरेंजमेंट ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई देश किसी अन्य संगठन को या किसी दूसरे आतंकी संगठन को अवैध तौर से हथियार ना दे रहा हो, खासकर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। अब दोस्तों यहीं से चीन, पाकिस्तान और तुर्की की समस्या शुरू हो जाती है,
जिस तरह अभी कुछ दिन पहले ही भारत के कश्मीर में आतंकवादियों के पास तुर्की में बनी गन्स मिली। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो उल्फा नामक उग्रवादी संगठन है उसके संदर्भ में भी भारत के पास ऐसे कई सारे सबूत हैं जहां पर यह लगभग साफ हो चुका है कि चीन इनको वित्तीय सहायता से लेकर हथियार तक मुहैया कराता है ताकि पूर्वोत्तर भारत में हमेशा अशांति बनी रह सके। कई बार देखा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में ये उग्रवादी संगठन हमला करते हैं, खासकर मिजोरम, असम वगैरह में, और उसके बाद भागकर म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में छुप जाते हैं जहां पर इनको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। और इन उग्रवादियों का बेस कैंप म्यांमार और चीन की सीमा के काफी नजदीक भी देखा गया। चूंकि दोस्तों इस समय म्यांमार में सैन्य शासन है और उस सैन्य शासन को चीन का काफी समर्थन प्राप्त है, खासकर वित्तीय तौर पर। इस कारण दोस्तों चीन भारत के खिलाफ जो उग्रवादी संगठन है उनको म्यांमार में पनाह दिलवाता है। अब दोस्तों भारत के पास तुर्की और चीन इन सब के खिलाफ काफी सबूत हैं और ये सबूत काफी पुख्ता हैं जो ये साबित करते हैं कि जो तुर्की अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है वो भारत में उग्रवादी संगठनों को, आतंकवादी संगठनों को अवैध रूप से हथियार मुहैया करा रहा है। अब दोस्तों चीन और तुर्की जो अपने डिफेंस मार्केट के लिए जाने जाते हैं अब उस पर भी भारत वासनार अरेंजमेंट के तहत ताला लगवाने वाला है और भारत अब ऐसा ताला लगाएगा तुर्की की डिफेंस मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और दोस्तों बात अगर चीन की करें तो चीन का माल तो वैसे ही अपनी क्वालिटी को लेकर चर्चाओं का विषय बना रहता है, खासकर चीन के लड़ाकू विमान JF-17। लेकिन इसके अलावा अब जिस तरह से चीन अवैध रूप से भारत में उग्रवादी संगठनों को हथियार मुहैया करा रहा है और अफ्रीका के बाको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियार मुहैया करा रहा है उससे अब चीन की मंशा साफ हो गई है और भारत को भी अब चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों वर्तमान में भारत के पास G20 की अध्यक्षता, वासनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरती हुई शक्ति प्रदान करती है। और जिस तरह से भारत के पास इन तीनों संगठनों की अध्यक्षता है यह अपने आप में इन भारत की डिप्लोमेसी को दिखाता है। यह बताता है कि भारत की तुलना विश्व की महाशक्तियों में होती है, क्योंकि दोस्तों एक साथ तीन संगठनों की अध्यक्षता मिलना ये कोई आम बात नहीं और किसी भी देश को ये नहीं दी जाती। अब आप खुद सोचिए कि आखिर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इनको ये अध्यक्षता क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनका नाम पावरफुल कंट्रीज में नहीं आता, लेकिन भारत वर्तमान में पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में ले रहा है और इसके कई सबूत है जहां पर भारत अब विश्व में एक बड़ा पोल बन चुका है जो कि अपनी शक्ति के दम पर पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। भारत का हर एक निर्णय, हर एक कूटनीतिक पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखती है और इसलिए भारत की बढ़ती शक्ति के साथ भारत को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसके रूप में भारत को G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वासनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी गई।